परेशान था और अब तो प्याज ने लोगों का दम ही निकाल दिया है। प्याज के दाम अब 100 के पार पहुंच चुके हैं और कई जगह तो प्याज 150 रुपए तक पहुंच गया। अब की बार प्याज हुई 100 रुपए पार, जनता कर रही त्राही माम त्राही माम। सड़क से सदन तक प्याज पर संग्राम। जी हाँ, प्याज के दाम इस कदर बढ़ रहे हैं कि लोगों का दम सा निकल रहा है। प्याज के रेट अब 100 रुपए के पार हो चुके हैं। लोगों की रसोई से प्याज का तो मानो नामो निशान सा ही मिट गया है। मार्केट में प्याज तो दिख रही है, लेकिन उसका खरीदार दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अगर लोग अपनी पसंदीदा प्याज को खरीद भी रहे हैं तो दिल पर पत्थर रखकर, वो भी पाव भर से ज्यादा नहीं। जी हाँ, अमीर के थाल से लेकर गरीब की थाली की शान बढ़ाने वाली प्याज अब लोगों के दोगुने आंसू निकाल रही है। दिल्ली NCR में तो प्याज के दाम 150 तक पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले प्याज के दाम 80 से 90 रुपए किलो थे, लेकिन अब प्याज के दामों में अचानक तेजी आई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों महंगी हो रही है प्याज। अब की बार मॉनसून एक महीने लेट आया, प्याज की फसल की बुआई में एक महीने की देरी हुई, प्याज का उत्पादन 40% घट गया। इसके बाद नवंबर तक प्याज का नया स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाया। बेमौसम बारिश से भी प्याज बर्बाद हो गई। प्याज की कमी से दाम आसमान पर पहुंच चुका है। प्याज के दामों से सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि खरीदार प्याज बेचने वालों को कोस रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्याज बेचने वाला अपनी किस्मत को। देश में प्याज की कुल उपज का करीब 30% हिस्सा महाराष्ट्र का है। बेमौसम बारिश के कारण प्याज की उपज पर इस साल बहुत बुरा असर पड़ा। हालांकि केंद्र सरकार ने महंगे प्याज से निकले जनता के आंसू पोंछने के लिए प्याज का आयात किया है। विदेश से 1,10,000 टन प्याज 10 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही प्याज के दामों में गिरावट आएगी और लोग एक बार फिर से अपनी पसंदीदा प्याज को चाव से खा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।